समय हमारे साथ है एक ऐसी एक्ट्रेस जो पहले किरदारों को पेपर पे उतारा करती थी और अब कागज पे लिखे किरदारों को स्क्रीन पर. राइट सानवी? या राइट, एब्सोल्युटली। तो राइटर्स से मैं जानना चाहूंगी कि जब आप एक्टिंग करती हैं तो कई बार आपका राइटर जाग उठता है कि यार इस कैरेक्टर में ऐसा होता तो अच्छा होता, इस कैरेक्टर में ऐसा होता तो अच्छा होता. बिल्कुल, ये बिल्कुल बात सच है। और जब मेरा राइटर जाग उठता है तो मैं अपनी लाइंस को इम्प्रोवाइज कर लेती हूँ। तो कैसा आपने लिखते लिखते ये सोचा कि अब मुझे सीरियल्स में आना है, ये कब आपको लगा, महसूस हुआ? लिखते लिखते मुझे ऐसा कहा गया कि आप ऑडिशन भी दीजिए, आप ट्राई कीजिए। तो आई ट्राइड एंड देन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी। कई बार जब आप लिखती थी सानवी तो ये महसूस होता था कि ये किरदार काश मैं करूं तो बहुत अच्छा होगा. कभी कोई ऐसा खुद का लिखा किरदार ऐसा महसूस हुआ? अभी तक तो ऐसा नहीं, क्योंकि एपिसोडिक्स थे तो एपिसोडिक्स की स्टोरीज भी उस तरह से ही थी। तो फिलहाल उस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं था जो मुझे ऐसा लगा कि मैं ये करूंगी तो अच्छा होगा। बट हाँ, अभी भी राइटिंग तो मैं अभी भी करती हूँ। आई वॉन्ट टू राइट अ नॉवल, सो ऑफ कोर्स आई विल डेफिनेटली राइट समथिंग जो मुझे लगेगा कि हाँ मैं करना चाहूंगी। ओह वेरी गुड. तो आपने बहुत सारे सीरियल्स किए, उसके बाद आप 3 साल नहीं थी फील्ड पर अगर कहा जाए, तो फिर से वापस आने का मौका कैसे मिला? और अली बाबा जैसा शो जो काफी चर्चा में है इन दिनों. सो बेसिकली, जब मैं 3 साल नहीं थी तब आई वॉज डूइंग थिएटर एंड आई वॉज विद माई फैमिली। एंड जब बीच में मुझे बिग बॉस ऑफर हुआ, इस सीजन से पहले वाला सीजन, तब भी आई वॉज नॉट रेडी टू कम बैक। बट देन आई थिंक 15 days बिफोर आई वॉज लाइक कि ओके, लेट्स लेट्स कम बैक। एंड देन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी अली बाबा, देन आई वॉज लाइक ओके, सो दिस इज द गुड अपॉर्चुनिटी, सो नाउ आई कैन कम बैक। सो दिस इज इट्स जस्ट हैपेंड। ओके. इसमें आपका नेगेटिव किरदार है, राइट? हुमायरा. राइट, हुमैरा। तो या तो उस कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि नेगेटिव किरदार लेना बहुत चैलेंजिंग होता है एक तो, और जब आप कमबैक कर रही थी 3 साल के बाद तो और आपको लगा होगा कि एक्सेप्टेंस और इन सबको लेकर तो थोड़ा सा आपको रिस्क फैक्टर लग रहा था. नहीं, एज अ एक्टर मुझे लगता नहीं है कि कोई भी ऐसा कोई कैरेक्टर है जो आपको ये दिमाग में लेके चलना चाहिए कि इसको प्ले करेंगे तो रिस्क फैक्टर होगा, या फिर ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। आई थिंक आपको ये दिमाग में लेके चलना चाहिए कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उस अपॉर्चुनिटी में आपको कितना अच्छा वर्क करने को मिल रहा है। सो वर्क वाइज जब मुझे इसके ब्रीफ दिया गया तो मुझे सच में लगा कि हाँ, यहाँ खेलने के लिए बहुत कुछ है। वाह. So I can play this character very well. लेकिन हमारे इंडस्ट्री में बहुत जल्दी स्टीरियो टाइप कर दिया जाता है. आप उसका कभी शिकार हुई है या आपको उसका डर लगा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने अब तक सारे मेल लीड्स किए हैं और अब मुझे नेगेटिव यस. ऑफर हुआ तो मैंने नेगेटिव को भी अप्रिशिएट किया। और आगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे मेल लीड मिलेगा तो मैं नहीं करूंगी या नेगेटिव होगा तो मैं नहीं करूंगी। आई एम ओपन टू एवरीथिंग। ओके. अली बाबा की मैं बात करूं तो ये शो चर्चा में आया था तुनिशा की वजह से, जिस शिजान की वजह से. तो जब आप सेट पर गई वापस, मतलब जब आपने ये लिया हाथ में, तो आपको ये बात थोड़ी मन में थी कि बहुत लोग इस सीरियल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा लोग नजर रखेंगे कि पहले जैसा परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा, तो वो सारी चीजों थी बैक ऑफ द माइंड? पता था मुझे इस इंसिडेंट के बारे में, बिकॉज दिस इट वॉज वेरी सडन वट एवर हैपेंड। तो बट मैंने ऐसा कुछ इस तरह से नहीं सोचा कि मैं वहां जाऊंगी तो उससे क्या होगा या क्या लोगों का क्या प्रतिक्रिया होगी एंड ऑल। आई वॉज लाइक कि ओके, एक सब शोज की तरह ये शो भी है और वो लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्योंकि मेन लीड्स अगर किसी शो से निकलते हैं या हिलते हैं तो उस शो को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वेरी ट्रू, सो वेरी ट्रू. तो उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो फिर भी बहुत कोशिश कर रहे हैं इस शो को बनाए रखने के लिए। तो मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी कि मैं, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि उनके शो में मैं कुछ प्लस कर सकूं, या चार, यू नो कहते हैं ना, चार चांद लगा सकूं, तो व्हाई नॉट। हमको नहीं पता कि किसकी वजह से क्या अच्छा हो जाएगा और
उनकी मेहनत वाकई में, दोज पीपल आर डूइंग रियली वेरी हार्ड वर्क, हैट्स ऑफ टू देम। यस यस सानवी, लेकिन अगर मैं बात करूं तुनिशा को लोग बहुत पसंद करते थे, ये सारी चीजें हुई, तो जब आप उसी सेट पर जाती हैं तो वहां पर जो लोग हैं पहले पुराने, वो सब उन सारी चीजों से बाहर निकल पाए हैं? आई डोंट थिंक सो, दे स्टिल टॉक अबाउट दैट, बिकॉज आई वॉज द थर्ड पर्सन वेन आई वेंट देयर, तो उन्होंने मेरे सामने भी उस बारे में बात करने की कोशिश की, बट आई वॉज लाइक के मतलब मेरा कोई रिस्पॉन्स, मतलब मैंने रिस्पॉन्स देना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि हम जिनको सी जिस रास्ते जाना नहीं है उस बारे में बात करके क्या मतलब, तो लोगों के दिमाग में है और वो नहीं निकल सकता, बिकॉज इट वॉज अ वेरी बिग इंसिडेंट। तो मतलब हम ये कहें कि सेट पर शिजान और तुनिशा को मिस किया जाता है अभी भी। एक सवाल सानवी आपसे जानना चाहूंगी, भले आपने काम नहीं किया था शिजान और तुनिशा के साथ अगर मैं गलत नहीं तो, लेकिन शिजान को लेकर सेट पे जो लोग हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि वो 24 से जेल में ही बंद है कहा जाए तो, और आपको क्राइम, आपने बहुत सारी सीरीज लिखी है अगर मैं गलत नहीं तो, आपको तो लॉ और इन सब की भी बहुत अच्छी जानकारी होगी। एक्चुअली टुनिशा को तो मैं बिल्कुल नहीं जानती थी, कभी भी नहीं मिली थी, बट शेजान ने हमारे शो चंद्र नंदिनी में कैरेक्टर रोल प्ले किया, तो अच्छा शेजान को मैं वहां से जानती थी। अगर मैं बात करूँ तो ही वॉज गुड विद मी, ही वॉज गुड विद एवरीवन, मतलब सेट पे ही हमारी बातचीत होती थी जो भी होती थी उससे, मतलब ऐसा कोई पर्सनल कोई किसी से लेना देना नहीं था। अब दिक्कत ये है कि गलत दोनों के साथ ही हुआ है, अगर आप मेरे मेरे से पूछे मेरी राय, उस लड़की ने भी जो भी किया वो भी बहुत गलत था, और उसको भी जेल में रखा जा रहा है जो कि कहीं ना कहीं वो भी गलत है, तो सजा दोनों को ही मिली है, दिस इज व्हाट आई थिंक। ट्रू ट्रू तो ट्रू दोनों दोनों ही सफर कर रहे हैं, मतलब सब, एक तो बेचारी चली गई, उसका तो अब जो चला गया वो तो वापस आ नहीं सकता, लेकिन जो अभी अंदर है उसके साथ भी कुछ कम बुरा तो नहीं हो रहा होगा, आई थिंक सो। तो सेट पर अभी जब ये इंसिडेंट हुआ तो लोगों ने कहा था एम्बुलेंस रखनी चाहिए थी, ले जाने में बहुत टाइम हो गया, तो कुछ बदलाव हुए हैं सेट पर इस इंसिडेंट के बाद? हाँ अभी रिसेंटली एक्चुअली मैं शूटिंग कर रही थी, एक दो दिन पहले की बात है, तो एक जूनियर आर्टिस्ट थी, उनको सडनली हार्ट में कुछ पेन शुरू हुआ, एंड शी वॉज इन अ वेरी बैड सिचुएशन, शी वॉज क्राइंग लाइक पूरा बहुत जोर जोर से शी वॉज क्राइंग, तो सेट वाले इमिडिएटली उनको लेकर वहां से गए। सो आई थिंक कि बदलाव है बिल्कुल, वो हेल्प कर रहे हैं जूनियर आर्टिस्ट की, उनको लेकर गए उसी टाइम पे, तो ऑफ कोर्स इट्स अ गुड थिंग, मतलब गुड चेंज। सानवी, ये कैरेक्टर की मैं बात करूं, जैसे कि मेरी शुरुआत में आपसे बात हुई तो आपने बोला आज आपकी छुट्टी है, इन दिनों लोग ये बोल रहे हैं कि एक्टर्स को वाकई में छुट्टी नहीं मिलती है, 24/7 काम करना पड़ता है, 365 days, और इसके लिए ये लोगों ने आगे तक जो आपकी फेडरेशन वगैरह है वहां तक बात पहुंची है, तो आप इस पर क्या कहेंगी, आपका क्या टेक है? सी इफ यू प्ले मेन लीड, तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमारे टीवी का कल्चर ऐसा है कि हम पहले बैंक रेडी जरूर करते हैं, लेकिन वो बैंक बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, और फिर सडनली ऐसा होता है कि यू आर शूटिंग टुडे एंड टेलीकास्ट इज टुमारो, सो हाँ हाँ तो उसके लिए यू हैव टू वर्क फॉर 365 days, और आपको एक्स्ट्रा आवर्स भी काम करना पड़ता है, विच इवन आई एम डूइंग इन दिस शो अलीबाबा में, हाफ एन आवर और 1 hour एक्स्ट्रा हो ही जाता है, जिसका हम कुछ कर नहीं सकते, तो वो भी मजबूर है। बात अगर हम प्रोडक्शन के बारे में करें या प्रोड्यूसर के बारे में करें, तो उनकी भी मजबूरी है, उनको भी पता है कि चैनल में टेलीकास्ट नहीं जाएगा तो कैसे होगा, और आप जब मेन लीड प्ले करते हैं तो आपके कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो उसका कोई इलाज है ही नहीं। नहीं है। ट्रू 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 आपने बताया कि आपको बिग बॉस ऑफर हुआ था पिछला सीजन, यानी कि 15वां सीजन, यानी कि जब करण और तेजस्वी थे, है ना, तो आपने नहीं किया, आप मेंटली प्रिपेयर नहीं थी या अभी रियलिटी शो करना नहीं चाहती? मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं थी,
और अगर अब आपको लॉकअप या ऐसा कोई शो ऑफर हो जाए बिग बॉस तो आई डोंट माइंड, ओके या आई डोंट माइंड, एज आई इस साल सेड आई एम का ओपन ओपन टू एवरीथिंग नाउ. ओके. बस आदमी हमेशा कहा जाता है कि अगर आप चैनल का फेस नहीं है तो शो करके फायदा नहीं, आपको बेनिफिट नहीं होगा. तो ये थॉट आप, क्योंकि कलर्स का फेस नहीं है तो आपको कभी ऐसा, आपको जब ऑफर होता है शो तो आप इस चीजों को कंसीडर करती हैं ऐसा कि नहीं, ऐसा बोला जाता है कि आप कलर्स का फेस नहीं तो बेनिफिट नहीं होगा, आपको फेवरेटिज्म नहीं मिलेगा, फेवर नहीं किया जाएगा, जिताया नहीं जाएगा, तो ऐसी चीजें इंडस्ट्री में रहते हुए आपने सुनी है? देखिए कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने काम से मतलब रखना चाहिए. आपको ओके अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको बिना सोचे उसको ग्रैब करना चाहिए. आपको अपने रास्ते पे ईमानदारी से चलना चाहिए. बाकी जो होना है वो, लक इज एवरीथिंग, आई बिलीव इन लक, दैट्स इट. तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कलर का फेस है या नहीं है या दिस एंड दैट. आई डोंट केयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स. आई बिलीव इन माई वर्क. तो अगर ट्रू, तो इस साल का सीजन आपने देखा था क्या? बिग बॉस का नहीं, मैंने फॉलो नहीं किया. मैंने शिल्पा शिंदे वाला सीजन था जो मैंने बिल्कुल लास्ट देखा था, देखा. बिकॉज आई 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 लाइक हर. ओके तो अगर आपको, आपके अगर मैं चॉइस की बात करूं तो बहुत सारे शोज हैं, चाहे खतरों के खिलाड़ी हो, लॉकअप भी हो, तो क्या उसके लिए ऑफर आया आपको, लॉकअप वगैरह के लिए? नहीं, मुझे इनके लिए तो ऑफर नहीं आया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कोई शो खुद करना, मतलब चूज करना चाहूँ तो खतरों के खिलाड़ी. अच्छा, मतलब आपको एडवेंचर्स पसंद है. बहुत ज्यादा पसंद है, शायद ही कुछ है जो मैंने अभी तक नहीं किया. वेरी नाइस. सारवी, जाते जाते बस ये जानना चाहूंगी कि जब आपने ये कैरेक्टर लिया हुमायरा का, तो कोई एक ऐसी चीज जो आपको बहुत चैलेंजिंग लगी हो या करने के बाद आपको वो करने में काफी मजा आ रहा हो? हुमैरा का जो कैरेक्टर है, बेसिकली वो एक विच है और इसके दो रूप हैं, एक बहुत सुंदर है और एक बहुत कुरूप है. तो इट्स लाइक दैट. तो हाँ, गेट अप. तो इसमें टाइम बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, आपको 2 ढाई घंटे लगते हैं रेडी होने में. सो ये एक बहुत ज्यादा हेक्टिक चीज है, लेकिन मुझे ये पहली बार है कि मैं बच्चों के साथ काम कर रही हूँ और जानवरों के साथ काम कर रही हूँ. ओके, मेरे ओके सीन्स हो रहे हैं, मेरे सीन्स हो रहे हैं बकरियों के साथ. इट्स वेरी फनी, बट या आई एम लविंग इट. अरे वाह. तो लेकिन बहुत बाहर टेक्स लेने पड़ते होंगे, क्योंकि ह्यूमन को तो सिखाना आसान है, आप कैसे सिखाओगे, मतलब जानवरों से कैसे एक्टिंग कराओगे, कैसे बताओगे इधर ही जाना है इधर नहीं जाना, तो बहुत वेरी टेक्स हो ट्रू. जाते होंगे. बहुत टेक्स. आप ये समझिए कि एक दिन में 2 से ज्यादा सीन हो ही नहीं पाते. ओ या दैट टफ. तो बहुत पेशेंस चाहिए राइट राइट राइट, लॉट ऑफ सब्र. भाई. तो फिर तो अच्छा, ये 3 साल का ब्रेक ले लिया. हाँ, बहुत अच्छा किया. आई एम हैप्पी. यस. तो कोई खास कारण था ब्रेक का वैसे? खास कारण ये था कि एक ही लाइफ है एंड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आई वॉन्ट टू डू. सो थिएटर उनमें से एक चीज थी जो मेरी टू डू लिस्ट में थी, और मुझे थिएटर इंडिया में नहीं करना था, मुझे बाहर से थिएटर करना था. वाओ, सो या सो आई वाज इन लॉस एंजेलिस एंड आई डिड थिएटर फ्रॉम स्टेला एडलर. ओके, वेरी नाइस. तो 3 इयर्स का कोर्स था वहां? नहीं, इट वाज 1.5 ईयर एंड देन आफ्टर दैट 1 ईयर आई वाज विद माय फैमिली, बिकॉज़ माय फैमिली रिसेंटली शिफ्टेड टू ऑस्ट्रेलिया फॉर फॉरएवर. सो उन्होंने अपना ओ बिजनेस किया है, सो आई वांटेड टू स्पेंड टाइम विद फैमिली के ठीक है, एक बार ये सब चले जाएं, देन आई विल कम बैक. अरे वाह. बस आदमी ये कहा जाता है कि थिएटर आपको लाउड बना देता है, क्योंकि आप वहां पे लाइव ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक्टिंग कैमरा के साथ इंटरेक्ट करना है. तो आपका राइट. भी ये परसेप्शन था जब आपने थिएटर किया, या थिएटर ने आपकी एक्टिंग को और इम्प्रूव किया फिर? थिएटर ने मेरी एक्टिंग को और इम्प्रूव किया, ऐसा मुझे लगता है. और जहां तक बात है लाउडनेस की, तो ये आई थिंक एक डिफरेंस है हॉलीवुड और बॉलीवुड के, मतलब यहाँ के और वहां के थिएटर में ये डिफरेंस है
कि बाहर का जो थिएटर है वो उतना लाउड नहीं है. अच्छा और वहां पे ओके इमेजिनेशंस बहुत ही ज्यादा हैं और कमाल है. इट्स लाइक कि एक खाली कमरा है, उसमें आपको हर एक चीज क्रिएट करनी, और समझ समझ आना चाहिए हमारे टीचर को कि हम कर क्या रहे हैं. मतलब इट वाज अ वेरी वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. अरे वाह, अमेजिंग इट वाज. या आई एम वेरी हैप्पी दैट आई डिड दैट. तो आपको लगता है कि उसने आपको हेल्प किया बहुत ज्यादा कि आपकी एक्टिंग और ग्रूम हो गई, या आपको आने के यस बाद जब आपने ऑडिशंस दिए तो आपको ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट मिला कि किसी ने जिसने आपका पहला काम देखा और अभी देखा और उनको डिफरेंस समझ में आया हो? सो बेसिकली जब मैं वापस आई 3 साल के बाद, तो आई वॉज वेरी नर्वस, क्योंकि थिएटर किए हुए भी मुझे 1-1.5 साल का गैप हो गया था, और 3 साल के बाद मैं वापस कैमरा फेस करने वाली थी. तो मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था. कॉन्फिडेंस मेरा हिला हुआ था थिएटर करने के बाद भी, कि मुझे पता नहीं मैंने क्या करना है. बट जब मैंने फर्स्ट ऑडिशन दिया तो इट वॉज लाइक फर्स्ट टेक ओके. मतलब बाहर जाने से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे ऑडिशंस अच्छे हुए. यू नो, इरफान खान जी का भी ये कहना था, वो भी ऐसा मानते थे कि कुछ लोग ना ऑडिशंस में अच्छे नहीं होते, वो सीधा सेट पे परफॉर्म कर पाते हैं. तो मेरे साथ सेम प्रॉब्लम थी. मुझे ऐसा हमेशा लगता था कि मैं ऑडिशंस अच्छा नहीं दूंगी, सेट पे लेके जाओ आई विल डू समथिंग. बट दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैंने ऑडिशन दिया एंड इट वाज फर्स्ट टेक ओके. एंड दे आस्क्ड मी दिस थिंग कि आपने पहले कभी काम नहीं किया. तो मुझे उनके इस रिएक्शन से समझ आया कि उन शायद उनका ये कहना था कि इतना अच्छा आपने एक्टिंग किया है और आपने काम नहीं किया, हाउ इज इट पॉसिबल. तो दैट वाज द यू नो कॉम्प्लीमेंट फॉर मी. वाह, वेरी गुड वेरी गुड. तो आपने वहीं पे ही परस्यू करने का नहीं सोचा कुछ भी बाहर ही, या वहां बाहर अपॉर्चुनिटीज कम है या बहुत मुश्किल है? नहीं, बाहर ऐसा बिल्कुल मुश्किल नहीं है. बाहर इवन कि इंडियन फेस को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है, हाँ, जो मैंने ओके रियलाइज किया वहां जाके. लेकिन आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू बी देयर ओके बिकॉज द वर्ल्ड इज कम्प्लीटली डिफरेंट. तो एक कंफर्ट जोन है आपका, जो इंडिया में हमारा यहाँ कंफर्ट जोन है, वो कंफर्ट जोन हमारे पास वहां नहीं है. सो आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट. बट या इन फ्यूचर अगर मुझे लगेगा कि मुझे वहां जाके ट्राई करना है, तो अगेन आई विल टेक अ ब्रेक. विल सी. या ऑल द बेस्ट, फिंगर क्रॉस. थैंक्स साध्वी, थैंक यू. हमारे से बात करने के लिए शुक्रिया. थैंक यू एंड थैंक यू. ऑल द बेस्ट.